हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से जो आज आपके साथ चर्चा की जाएगी वो उसका विषय है दैनिक राशिफल, यानी के मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी राशि के जातकों के विषय में आज के राशिफल की चर्चा होगी। उससे पहले 11 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार का पंचांग आपको बताएंगे और पंचांग इस प्रकार है, दिनांक 11 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार और हिंदी का महीना मार्ग शीर्ष, पक्ष कृष्ण पक्ष है, तिथि है एकादशी और ये एकादशी जो है आज 10:05 तक रहने वाली है। उसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र, नक्षत्र चित्रा प्रातः 8:48 तक रहेगा और उसके पश्चात स्वाति नक्षत्र आरंभ होगा जो कि 12 तारीख की सुबह 6:30 तक रहेगा। योग, आज का योग है शोभना, करण है बालव और चंद्रमा तुला राशि में चल रहे हैं। आज का राहु काल है प्रातः 11 से दोपहर 12:20 तक और आज का अभिजीत मुहूर्त है प्रातः 11:56 से दोपहर 12:44 तक। आज के दिन जो भी कोई आपके शुभ कार्य हैं करने के लिए वह सभी शुभ कार्य आप इस अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। तो साथियों, ये जो था 11 दिसंबर का पंचांग था जिसकी हमने आपको जानकारी दी है, अब हम आरंभ करने जा रहे हैं मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक के जातकों का राशिफल। एक एक करके सभी को क्रमानुसार बताया जाएगा और सर्वप्रथम हम आरंभ करेंगे मेष राशि से। तो आइए जानते हैं कि मेष राशि के लिए आज शुक्रवार का दिन 11 दिसंबर का क्या लेकर के आया है। आइए चर्चा करते हैं इस पर। तो देखिए, कुछ लोग सोच सकते हैं कि आप नया सीखने के लिए काफी उम्रदराज हो चुके हैं, लेकिन यह सच्चाई से बहुत दूर है। आप अपने तेज और सक्रिय दिमाग की वजह से कुछ भी आसानी से सीख सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य के बीमार पड़ने की वजह से आपको आर्थिक परेशानी भी आ सकती है। हालांकि इस वक्त आपको धन से ज्यादा उनकी सेहत की चिंता करनी होगी। आज आपका ऊर्जा से भरपूर जिंदा दिल और गर्म जोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास के लोगों को खुश कर देगा। शाम को अपने प्रिय के साथ आप रोमांटिक मुलाकात और साथ में कहीं लजीज खाना खाने के लिहाज से भी यह दिन उत्तम है। खुद को अभिव्यक्त करने के लिए अच्छा समय है और ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कीजिए जो काफी रचनात्मक हो। आज आपके करीबी लोग आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने मन को आप शांत बनाए रखने के लिए एकांत में समय बिताना ज्यादा पसंद करेंगे। क्या आपको लगता है कि शादी महज एक समझौतों का नाम है? अगर हाँ, तो आप आज हकीकत महसूस करेंगे और जानेंगे कि यह आपके जीवन की सबसे अच्छी घटना थी। आज का उपाय आपके लिए बहुत छोटा सा सरल उपाय है। अपने घर में जो भी आपके प्लांट लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, उनको आप पानी दें, यही आज का उत्तम उपाय रहेगा आपके लिए। आगे चर्चा होगी जो वृषभ राशि के जातक हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो आइए जानते हैं। तनाव को नजरअंदाज ना करें, यह तंबाकू और शराब की ही तरह खतरनाक महामारी है जो तेजी से पांव पसार रही है। आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के जरिए फायदा हो सकता है। आपका मजाकिया स्वभाव
आपके चारों ओर के वातावरण को खुशनुमा बनाएगा। प्यार में अपने अशिष्ट वर्ताव के लिए आप माफी मांगें। आज आप दूसरे दिनों की तुलना में अपने लक्ष्यों को कुछ ज्यादा ही ऊंचा तय कर सकते हैं। अगर परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक न आए तो निराश होने की आवश्यकता नहीं। पैसा, प्यार, परिवार से दूर होकर आज आप आनंद की तलाश में किसी आध्यात्मिक गुरु से भी मिलने जा सकते हैं। पड़ोसियों का दखल शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें पैदा करने की कोशिश कर सकता है। आपको इससे सचेत रहना होगा, लेकिन आप व आपके जीवन साथी के बीच का जो बंधन है वह बहुत मजबूत है और इसे तोड़ना भी आसान नहीं है। आज का उपाय आपके लिए क्या रहेगा? चमेली का तेल, सिंदूर, चांदी के वरक का चोला हनुमान जी को चढ़ाने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ये था आज वृषभ राशि के जातकों का राशिफल आज का। आगे चर्चा होगी मिथुन राशि के जातकों के लिए आज 11 दिसंबर का दिन क्या कहता है। दोस्त से मिली खास तारीफ खुशी का जरिया बन सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने अपनी जिंदगी को एक पेड़ की तरह बना रखा है जो खुद तपती धूप में खड़ा होकर और उसे सहकर भी राहगीरों को छांव देता है। इस राशि के कुछ लोगों को आज जमीन से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर धन खर्च करना पड़ सकता है। विवाद, मतभेद और दूसरों की आप में कमियां निकालने की आदत को आप नजरअंदाज करें। अपनी व्यक्तिगत भावनाएं और गोपनीय बातें अपने प्रिय से बांटने का यह बिल्कुल सही समय नहीं है। खुदरा और थोक व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। यात्रा के दौरान आप नई जगहों को जान पाएंगे और महत्वपूर्ण लोगों से आपकी आज मुलाकात भी हो सकती है। जीवन साथी यह आपको जता सकता है कि आपके साथ रहने की क्या क्या खमियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। आज का उपाय रहेगा आपके लिए एक नारियल और 7 बादाम किसी भी धर्म स्थान में दे दें तो लव लाइफ आपकी बहुत स्मूथ चलेगी। आगे चर्चा होगी कर्क राशि के जातकों की। तो देखिए आज का जो दिन है 11 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार, आप कर्क राशियों के लिए जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आइए जानते हैं। तो देखिए आपका ऊर्जा स्तर एनर्जेटिक रहेंगे, आज काफी ऊंचा रहेगा आपका ऊर्जा स्तर। धन का आवाजाही आज दिन भर होती रहेगी और दिन ढलने के बाद आप बचत करने में भी सक्षम हो पाएंगे। संबंधियों से मुलाकात उससे कहीं बेहतर रहेगी जितनी आपको उम्मीद थी। आपके प्यार के रिश्ते में एक जादुई एहसास छा रहा है, इसकी खूबसूरती आप महसूस करें। अपना बायोडाटा भेजने या किसी इंटरव्यू में जाने के लिए यह अच्छा समय है। जल्दबाजी में आप फैसले ना करें ताकि जिंदगी में आगे आपको पछताना ना पड़े। आपका जीवन साथी आपको प्यार का एहसास देना चाहता है, आप उसकी मदद कीजिए। आज का उपाय रहेगा आपके लिए अगर आप अपना पारिवारिक जीवन खुशहाल रखना चाहते हैं तो घर में क्रीम रंग के पर्दे आप लगा सकते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे जो सिंह राशि के जातक हैं उनको 11 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार क्या देने जा रहा है। देखिए अपने दिन की शुरुआत आप एक्सरसाइज से कर सकते हैं। यही वक्त है जब आप अपने बारे में कुछ अच्छा महसूस करने की शुरुआत कर सकते हैं। इसे अपनी दिनचर्या में आप शामिल करें और नियमित रखने की कोशिश करें तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। प्राप्त हुआ धन आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होगा। आपकी पारिवारिक सदस्यों को काबू में रखने और उनकी ना सुनने वाली जो प्रवृत्ति की वजह से बेवजह वाद विवाद भी खड़ा हो सकता है और आपको आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। लव मेट आज आपसे किसी चीज की डिमांड कर सकता है, आपका जो प्रेमी मित्र है, लेकिन आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से आपका लव मेट
आपसे नाराज हो सकता है, आपसे खफा हो सकता है, रूठ सकता है। भागीदार आपकी योजनाओं और व्यावसायिक ख्यालों के प्रति उत्साही होंगे। आज किसी सहकर्मी के साथ आप शाम का वक्त बिता सकते हैं। हालांकि अंत में आपको यह महसूस होगा कि आपने उनके साथ अपना समय बर्बाद किया है। और कुछ नहीं, इसके अतिरिक्त सेहत के नजरिए से गले लगने के अपने फायदे हैं, और आपको यह एहसास आज अपने जीवन साथी से मिल भी सकता है। आज का उपाय रहेगा आपके लिए, अपने बड़े भाई के विचारों का आप सम्मान करें एवं उनकी बात मानने से आपकी निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों का आज 11 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार क्या लेकर के आ रहा है, आइए जानते हैं। देखिए, खुद को किसी रचनात्मक काम में आप लगाएं। मानसिक शांति के लिए आपकी खाली बैठने की जो आदत है वह आपके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है, और आपकी जो माता पक्ष है उससे आज आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपके मामा या फिर नाना आपकी कोई आर्थिक मदद भी कर दें। आपका ज्ञान और हास परिहास आपके चारों ओर लोगों को प्रभावित करेगा। आपके प्रिय के कड़वे शब्दों के कारण आपका आज मूड खराब हो सकता है। अपनी पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाकर आप करियर में अपने लिए नए दरवाजे, नई अपॉर्चुनिटीज के लिए दरवाजे खोल सकते हैं। अपने क्षेत्र में आपको अपार सफलता मिलने की भी संभावना दिखाई देती है। अपनी सभी क्षमताओं को निखार कर औरों से बेहतर बनने की कोशिश आप करेंगे तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज पूरे दिन आप खाली रह सकते हैं और टीवी पर कई फिल्में और प्रोग्राम भी देख सकते हैं। जीवन साथी की ओर से जानबूझकर भावनात्मक चोट मिल सकती है जिसके चलते आप उदास हो सकते हैं। आज का उपाय आपके लिए क्या रहेगा, अपने प्रेमी प्रेमिका से मिलने जाने से पहले हरी इलायची खाकर जाना आपकी लव लाइफ के लिए अति शुभ होगा। आगे हम चर्चा करते हैं कि जो तुला राशि के जातक हैं उनका आज 11 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार क्या कहता है। देखिए, जब सेहत से जुड़ा मामला हो तो खुद को अनदेखा नहीं करना चाहिए और सावधानी भी बरतनी चाहिए। रियल एस्टेट और वित्तीय लेनदेन के लिए आज का दिन बहुत आपके लिए उपयुक्त है। बुजुर्ग और परिवार के सदस्य आपको स्नेह देंगे और ख्याल रखेंगे आपका। आप आज रूहानी प्यार की मदहोशी महसूस कर सकेंगे। इसे महसूस करने के लिए कुछ वक्त बचाकर आप रखें। जो लोग अब तक बेरोजगार हैं उन्हें अच्छी जॉब पाने के लिए आज और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत करके ही आप सही परिणामों को पा पाएंगे। आपका व्यक्तित्व और लोगों से थोड़ा सा अलग है, आप अकेले वक्त बिताना अधिक पसंद करते हैं। आज आपको अपने लिए वक्त तो मिलेगा लेकिन ऑफिस की कोई समस्या आपको थोड़ा टेंस रख सकती है, थोड़ा सा तनावग्रस्त रख सकती है। यूं तो जीवन हमेशा कुछ नया और चौंकाने वाली चीज आपके सामने लाता है, लेकिन आज आप अपने जीवन साथी का एक अनोखा पहलू देखकर खुशी से अचंभित हो जाएंगे। आज का उपाय रहेगा आपके लिए, हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाने से आपका स्वास्थ्य में सुधार होगा। आगे चर्चा होगी जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनका आज 11 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार कैसा रहने वाला है। तो देखिए, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, हिम्मत ना हारें और इच्छित फल पाने के लिए आप कड़ी मेहनत करें। इन नाकामियों को तरक्की का आधार बनाएं। मुश्किल घड़ी में रिश्तेदार भी आपके काम आएंगे। बिना किसी की सलाह लिए बिना आज आपको पैसा कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब आप अकेलापन महसूस करें तो अपने परिवार की मदद लीजिए, यह आपको अवसाद से बचाएगा। साथ ही यह समझदारी भरा फैसला लेने में आपकी मदद भी करेगा। कुछ लोगों के लिए जल्द ही शादी की शहनाई भी
बढ़ सकती है, जबकि दूसरे जिंदगी में नए रोमांस का भी अनुभव कर पाएंगे। नए प्रस्ताव आकर्षक होंगे, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेना समझदारी का काम नहीं है। दिल के करीबी लोगों के साथ आपका वक्त बिताने का मन करेगा, लेकिन आप ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं रह पाएंगे। कहते हैं कि स्त्रियां शुक्र और पुरुष मंगल ग्रह के रहने वाले हैं, लेकिन आज के दिन विवाहित शुक्र और मंगल एक दूसरे में घुल जाएंगे। तो ये था आप वृश्चिक राशि के जातकों का दैनिक राशिफल, दिनांक 11 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार। और अब अंत में आपको बताएंगे उपाय कि आज का उपाय आपके लिए कैसा रहना, क्या रखना है, रहना है। तो देखिए, भगवान विष्णु जी या माता दुर्गा जी के मंदिर में कांसे का बर्तन दान करने से आपके लिए दिन आपका अति उत्तम रहेगा, या कह सकते हैं कि शुभ रहेगा। आगे चर्चा करेंगे जो धनु राशि के जातक हैं उनके दैनिक राशिफल के विषय में, दिनांक 11 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार। तो देखिए, आपकी उम्मीद एक महक से भरे हुए खूबसूरत फूल की तरह खिलेगी। आज अतिरिक्त आय के लिए अपने सृजनात्मक विचारों का सहारा लें। रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक आपको उपहार मिल सकता है। आज का दिन रोमांस से भरपूर होने की पूरी पूरी संभावना है। आज आपकी कलात्मक और रचनात्मक क्षमता को काफी सराहना मिलेगी और इसके चलते अचानक लाभ मिलने की भी संभावना पूरी पूरी बन रही है। ऐसे लोगों से जुड़ने से बचें जो आपकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाना चाहते हैं या पहुंचा सकते हैं। आज का दिन उन्माद में घिर जाने का है, क्योंकि आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम के चरम का अनुभव करेंगे। उपाय क्या रहेगा आपके लिए? उपाय है, मांसाहार का त्याग करने से आपका स्वास्थ्य और दिन दोनों ही अच्छे रहेंगे। मकर राशि, मकर राशि के जो जातक हैं उनको 11 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार क्या लेकर के आया है उनके लिए, आइए जानते हैं। तो देखिए, कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और इच्छित फल पाने के लिए कड़ी मेहनत करें आप, और इन नाकामियों को तरक्की का अपना आधार बनाएं। मुश्किल घड़ी में रिश्तेदार भी काम आएंगे। अपने जीवन साथी के साथ मिलकर आज आप भविष्य के लिए कोई आर्थिक योजना बना सकते हैं और उम्मीद है कि यह योजना आपकी सफल भी होगी। अगर आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपने अपने अच्छे दोस्तों को ही सिर्फ बुलाएं। ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उत्साह तो बढ़ाएंगे। आज के दिन अपने प्रिय की भावनाओं को आप समझें। वरिष्ठ सहकर्मी और रिश्तेदार मदद का हाथ बढ़ाएंगे। चिट्ठी पत्री में सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको खुश करने के लिए आपका जीवन साथी काफी कोशिशें कर सकता है। उपाय आज का आपके लिए बताते हैं। देखिए, बेसन की मिठाई या बेसन की कोई तली खाने की चीज, सोन पापड़ी, बेसन का हलवा इत्यादि, वो आप गरीबों में अगर बांटते हैं तो उससे आपका दिन बहुत ही खुशगवार गुजरेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए 11 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार क्या कहता है, आइए जानते हैं। तो देखिए, बहुत ज्यादा मानसिक दबाव और थकान परेशानी की वजह बन सकता है। सेहत को ठीक बनाए रखने के लिए पर्याप्त रूप से आराम करने की आपको आवश्यकता है। यदि शादीशुदा हैं तो आज अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखिएगा, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी तबीयत भी बिगड़ सकती है और आपको उनके स्वास्थ्य पर काफी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। दोपहर के बाद किसी पुराने दोस्त से मुलाकात दिन को खूबसूरत बना देगी। आप अपने सुनहरे दिनों को याद करके पुरानी यादों में भी डूब जाएंगे। आप आज प्रेमपूर्ण मनोभाव में रहेंगे, इसीलिए अपने प्रिय के साथ कुछ अच्छा समय बिताने की भी योजना आपको बनानी चाहिए। नए विचार फायदेमंद साबित होंगे आपके लिए। आज किसी सहकर्मी के साथ आप शाम का वक्त बिता सकते हैं। हालांकि
अंत में आपको यह महसूस होगा कि आपने उनके साथ अपना कुछ समय बर्बाद तो नहीं किया है, और कुछ नहीं इसके अतिरिक्त। थोड़ी सी कोशिश करें तो यह दिन आपके वैवाहिक जीवन के सबसे विशेष दिनों में से एक हो सकता है। आज का उपाय रहेगा आपके लिए, शुद्ध शहद का रोजाना प्रतिदिन प्रयोग करने से आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपके दिन भी अच्छे रहेंगे। अंत में मीन राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि आज 11 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार उनके लिए क्या लेकर के आया है। तो देखिए, आपका तेज काम आपको प्रेरित करेगा सफलता हासिल करने के लिए। समय के साथ अपने विचारों में आप बदलाव लेकर आएं और इससे आपका दृष्टिकोण भी काफी व्यापक होगा, समझ का दायरा बढ़ेगा, आपकी व्यक्तित्व में आपके निखार आएगा और दिमाग भी आपका विकसित होगा। मनोरंजन और सौंदर्य में इजाफे पर जरूरत से ज्यादा वक्त ना खर्च करें। परिवार के सदस्यों के साथ कुछ आराम के पल भी आप बिताएं। आज अपने प्रिय को माफ करना आप बिल्कुल ना भूलें और दिवा स्वप्नों में समय खपाना नुकसानदेह रहेगा। इस मुगालते में ना रहें कि दूसरे आपका काम करेंगे। जिंदगी में जो चल रही आपाधापी के बीच आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा और आप अपने पसंदीदा कामों को कर पाने में भी कामयाब रहेंगे। जीवन साथी का बिगड़ता हुआ स्वास्थ्य आपके लिए थोड़ा परेशानी और चिंता का सबब बन सकता है। आज का उपाय रहेगा आपके लिए, किसी के विवाह या मंगल कार्य में तन मन और धन से सहायता करने से नौकरी आपकी या व्यापार में निश्चित रूप से उन्नति होगी। बहुत अति उत्तम उपाय है ये आप मीन राशि के जातकों के लिए। तो देखिए, हमने आज अपने सभी श्रोतागणों के साथ जो ये चर्चा की है दैनिक राशिफल को लेकर के की है और 11 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार का ये राशिफल था जिसकी हमने चर्चा की आप सभी राशियों के जातकों के साथ, मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक। और अब समय आ गया है अपनी वाणी को विराम देने का और इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का। तो मित्रों, साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।